हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमें रूट्स निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके रूट्स निकालेंगे। रूल क्या होता है, जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जो कि यहाँ पे 1 है और जो कॉन्स्टेंट टर्म जो कि माइनस 10 है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिजल्ट क्या आया, माइनस 10। अब माइनस 10 के दो ऐसे फैक्टर निकालें जिसको सम करने से माइनस 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 10 आ जाए। अगर मैं लूँ माइनस 5 और 2 तो माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10। तो इसे यूज कर सकते हैं, इसको लिखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लो आप तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस 5। दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर दिस 0 और दिस 0, एक बार मैं x माइनस 5 को 0 करता हूँ तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5, और एक बार मैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 करता हूँ तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2। तो ये दो रूट आ गए, तो लिखिए सो रूट्स आर 5 एंड माइनस 2। ये फर्स्ट पार्ट था। अब आते सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस 12। इसके दो फैक्टर निकालने हैं तो मैं लेता हूँ 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और 4 इंटू माइनस 3 12 आ जाएगा। तो जहाँ पे x है वहाँ लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो आप तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इधर दिस 0 और दिस 0, एक बार मैं x प्लस 2 को 0 कर रहा हूँ तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2, और एक बार मैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर रहा हूँ तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो दो रूट आ गए, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 3, यानी कि सो रूट्स आर माइनस 2 एंड 3 अपॉन 2। थर्ड पार्ट है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 रूट 2 को क्या हो जाएगा, 10। अब 10 के दो फैक्टर निकालने हैं आपको, मैं ले रहा हूँ 5 और 2। 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा और 5 इंटू 2 करेंगे 10 हो जाएगा। यूज़ कर लीजिए इसको आप, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, रूट 2x प्लस 5, और यहाँ से आप रूट 2 कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, रूट 2x प्लस 5। रूट 2x प्लस 5 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, रूट 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस रूट 2 हो जाएगा। ये एक बार इसे शुरू करेंगे, एक बार इसे शुरू करेंगे तो रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, रूट 2x इक्वल्स टू माइनस 5, एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन रूट 2। एक रूट ये हो गया, x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 2। तो एक रूट ये हुआ, एक रूट ये हुआ, यहाँ लिखे सो रूट्स आर माइनस 5 अपॉन रूट 2 एंड माइनस रूट 2। फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। इस केस में क्या करेंगे, हम पूरे में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा ये 1 हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करिए, 16 इंटू 1 16, 16 के दो फैक्टर निकालने हैं, ले लीजिए अब माइनस 4 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 4 16 हो जाएगा। तो जहाँ पे 8x है वहाँ पे लिख लो आप माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन आ जाएगा तो 4x माइनस 1, और इसमें से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1, एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसे 0 करेंगे तो देखिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, एक वैल्यू आ गई x इक्वल 1 अपॉन 4,
4x minus 1 equal to 0 equals to 1, x equals to 1 upon 4. तो दोनों ही सेम वैल्यू है, लिखे सो रूट्स आर 1 upon 4. फिफ्थ पार्ट है 100x square minus 20x plus 1 equal to 0. 100 into 100 हो गया, इसके दो फैक्टर minus 10 ले लो आप, तो minus 10 minus 20 minus 10 into minus 10 100 हो जाएगा. तो जहाँ पे minus 20 है वहाँ लिखेंगे minus 10x plus 1 equal to 0. इन दोनों में से आप 10x कॉमन निकाल लो आप, तो 10x माइनस 1, और इसमें से माइनस 1 कॉमन निकाल लो आप, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0. एक बार इसको करेंगे 0, एक बार इसको करेंगे 0. तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 upon 10. फिर सेम चीज़ है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, इस केस में भी x इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 upon 10. रूट्स क्या आ गया, सो रूट्स आर 1 upon 10. क्वेश्चन 2 है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1. आप पेज नंबर 71 एंड 72 देखिए, वहां पे जो प्रॉब्लम एग्जांपल 1 है उसमें जो इक्वेशन आया है वो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0. इसको ही सॉल्व करके इसको रूट निकालना है आपको, ठीक है. तो मिड टर्म स्प्लिट करेंगे हम, तो 324 हमारे पास है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप पहले. ठीक है, मैं यहाँ 229 को साथ में लेता हूँ और 9 को अलग लेता हूँ, तो 9 2 18, 18 2 36, और ये 9, इसके दो फैक्टर मैंने लिए 36 और 9. 36 को 9 से प्लस करेंगे, -36 -9, इसको प्लस करेंगे तो ये -45 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 324 आ जाएगा. तो जहाँ पे -45 है वहाँ पे यूज़ कर लीजिए आप. तो एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0. इनमें से आप x कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 36, इसमें से आप -9 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0. x माइनस 36 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0. इधर दिस 0 और दिस 0, एक बार मैं इसे 0 करता हूँ, x इक्वल्स टू 36, और एक बार मैं 0 करता हूँ इसे, तो x इक्वल्स टू 9. तो रूट क्या आ गया, 36 एंड 9, तो लिखिए सो रूट्स आर 36 एंड 9. एग्जाम्पल 1 के सेकेंड पार्ट का जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750. इसे फैक्टराइज करना है, तो 750 को पहले फैक्टराइज कर लीजिए आप. इसमें मैं बना रहा हूँ पेयर 2, 3, 5 और 5, 5 का, मीन्स 750 में फैक्टर ले रहा हूँ मैं 35, 3 15 into 30, और ये 25. -30 -25 -55 हो जाएगा, और मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा. तो इसको लिखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0. यहाँ से आप x कॉमन निकाल लो, x माइनस 30, और यहाँ से आप माइनस 25 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0. x माइनस 30 दोनों में ही है, तो एक बार इसे 0 करेंगे, एक बार इसे 0 करेंगे, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 30, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 25. तो रूट्स क्या हो गए, ये जो रूट्स हो गए, लिखिए सो रूट्स आर 30 and 25. क्वेश्चन 3 में दो नंबर्स निकालने हैं जिसके सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है. लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई क्वेश्चन में गिवन है, उसके सम जो है वो क्या है, 27 है, और उसके जो प्रोडक्ट है वो गिवन है आपको 182. यहाँ से y क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, इस y की वैल्यू को मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180. सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इक्वल टू 0. तो 180 के दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ऐसे फैक्टर जो सम करने से माइनस 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 180 आ जाए, ठीक है.
180 को पहले मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ एक बार, 90, 45, 45, मैं इन तीनों को साथ रख रहा हूँ और इन दोनों को साथ रख रहा हूँ, मींस 180 में मैं निकाल रहा हूँ 12, 15, माइनस 12 माइनस 15, इसको सम करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। तो जहाँ पे 27 है वहाँ लिखेंगे हम माइनस 12x माइनस 15x प्लस 180 इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से आप x कॉमन निकालो तो x माइनस 12 हो जाएगा, इसमें से माइनस 15 कॉमन निकालो आप x माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, इधर दिस जीरो और दिस जीरो, एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू 12, एक्स माइनस 15 इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 15। तो रूट्स क्या क्या हो गए, सो नंबर्स आर 12 एंड 15, इसको सम करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिसके स्क्वायर का सम जो है वो 365 है। तो मैं ज़ूम कर लेता हूँ, वो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये इसके स्क्वायर का सम जो है वो होगा 365, तो एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू ज़ीरो, टू पूरे में से कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइज करेंगे हम तो पहले इसको आप 182 को ब्रेक कर लो आप, 91, 13, दो पेयर में बना रहा हूँ यहाँ पे 182 का, एक में लूँगा 14 और एक लूँगा 13, तो 14 और माइनस 13 तो सम करेंगे तो x 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से आप x कॉमन ले लो आप x प्लस 14, इसमें से माइनस 13 कॉमन ले लो आप x प्लस 14 इक्वल टू ज़ीरो, x प्लस 14 दोनों में है ज़ीरो, इधर दिस ज़ीरो और दिस ज़ीरो, तो x प्लस 14 इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू माइनस 14। ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको, नॉट पॉसिबल क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या आया है नेगेटिव, तो पॉसिबल नहीं, तो डिस्कार्ड हो गया। तो बचा क्या हमारे पास x माइनस 13, x इक्वल टू 13, तो x 13 है तो x प्लस 1 क्या होगा 14। सो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव आर 13 एंड 14। क्वेश्चन 5 में किसी राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, हाइपोटेनस गिवन आपको 13 सेंटीमीटर, तो आपको बाकी के दो साइड्स निकालने हैं। पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एल्टीट्यूड जो है बेस में, बेस एज्यूम कर लेता हूँ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7 और ये गिवन है 13। तो लिखिए लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी एक्स मीटर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7, तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ए सी हमें गिवन है 13 स्क्वायर, ए बी है एक्स माइनस 7 एल्टीट्यूड, तो एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर, और बी सी है एक्स, तो 169 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू ज़ीरो। तो 2x स्क्वायर
माइनस 14x, ये क्या हो जाएगा, माइनस 120 इक्वल टू जीरो, टू पूरे में कॉमन है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब इसे फैक्टराइज करना है हमें, माइनस 60, मैं इसके दो फैक्टर ले रहा हूँ, माइनस 12 और 5, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7, माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। इसमें से आप x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 12 हो जाएगा ये, और इसमें से अगर आप 5 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा ये, तो x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, इंटू x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, एक्स क्या आया तो x 12 आएगा अगर इसको जीरो करेंगे, और इससे क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी साइड का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, हमारे पास x क्या आया है 12, तो जब x क्या है, x 12 है, x माइनस 7 क्या होगा 5, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, तो अदर साइड्स आर 12 मीटर एंड 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक फिक्स नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल एवरी डे प्रोड्यूस करता है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे। किसी पर्टिकुलर डे में ऑब्जर्व किया गया कि एक आर्टिकल प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है उस दिन, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। कह रहे कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है 90 रुपीज, आपको बताना है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। लेट रेज्यूम कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, क्वेश्चन में मेंशन है कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा कॉस्ट आएगा, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि है 90 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वही होगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल इक्वल्स टू 90, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने क्या अज्यूम किया था x, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू जीरो। अब इसे फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, माइनस 90 इंटू 2 माइनस 180, तो 180 को पहले मैं फैक्टराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, दो हमने निकालने हैं इसमें, तो मैं ले रहा हूँ इन तीनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ 12 और 15, मेरा कहने का मतलब है माइनस 180 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो मैं एक ले रहा हूँ 15 और एक ले रहा हूँ माइनस 12, 15 माइनस 12 3 हो जाएगा, और 15 इंटू माइनस 12 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू जीरो। इन दोनों में मैं x कॉमन ले सकता हूँ, ले लीजिए कॉमन, तो 2x प्लस 15 और यहाँ से आप माइनस 6 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो, इधर दिस जीरो और दिस जीरो, एक बार इसे जीरो करता हूँ पहले मैं, 2x प्लस 15 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 15,
एक्स इक्वल्स टू माइनस 15/2। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है वो समझ लीजिए आप। इसलिए नहीं है क्योंकि x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी निगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो डिस्कार्ड हो गया। अब आ जाए इस पे, x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू सिक्स आ गया, ठीक है। x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या हो गया, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट इज सिक्स। अब निकालना है हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था, 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 12 प्लस 3 दैट इज रुपीज 15। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 6 हो गया और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया रुपीज 15। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो कमेंट क्वेरी को पोस्ट कीजिए, ये विल गेट रिप्लाई। थैंक्स वेरी मच वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।